Y seguimos en ver, sorry, luego de ver, dice. Am I sufficiently audible to each and everyone? Yeah, yeah, we are all here, don't worry. Okay, Yes. okay, great. तो मैं कैरेक्टर्स की बता रहा था, फाइव ईयर रोलिंग बेसिस, फाइव ईयर रोलिंग बेसिस कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो फॉर एन एग्जांपल, आज का फाइव ईयर रोलिंग लेंगे, आज के हिसाब से फाइव ईयर रोलिंग रहेगा तो क्या फाइव ईयर रोलिंग आएगा। आज अगर हम 2024 अप्रैल में बैठे, एग्जाम्पल मान लीजिए मई में बैठे हैं, फाइव ईयर रोलिंग कब से स्टार्ट होगा? 2019 अप्रैल में से स्टार्ट होगा, राइट। बोलने का मतलब यह है कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में अगर मार्केट ने 100% रिटर्न दिया है, बोलने का मतलब मार्केट उस समय अगर आपको ध्यान होगा मोटा मोटा मार्केट 11,000 का निफ्टी था, आज अगर 22,000 का निफ्टी है तो मतलब मार्केट ने 100% रिटर्न दिया है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में ये जो पोर्टफोलियो जो रिटर्न देगा वो 80% पोस्ट टैक्स देगा, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको पोस्ट टैक्स जो रिटर्न आ जाएगा वो 80% आ जाएगा। तो उसके लिए आज आपको क्या करना है, 82 लाख रुपीज में हमको 57 और 24 लाख 20 मैथ और फ्लेक्सी में बांट देना है। अब इसकी जो रीबैलेंसिंग है ये आपको शायद 15 साल की जर्नी में 10 से 12 बार करनी पड़े, मतलब 10 से 12 बार आपको शायद कैटेगरी एडजस्टमेंट लिए करने बोलेगा। फॉर जी, एग्जाम्पल 8 crore 20 lakhs. यस मैम, The data entered is 8 crore 20 lakhs, right? 82 लाख, मैं 82 लाख कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, 82 लाख है। 18 लाख तो आपके कॉन्जर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू हो गया क्योंकि आपको 3 साल का, मैं कुछ भी ऑफिशियल 3 साल का विड्रॉल ऑफिशियल आपको रिटायर्ड इन्वेस्टर के लिए डेट से ही देना है, उसके बाद मैंने आप 3 साल के लिए जो पोर्टफोलियो बनाया फॉलो किया से आप पोर्टफोलियो से दे सकते हो, बट इनिशियली 3 इट शुड बी फॉर्म अ डेट फंड। और फिर हमने डेट का एल्गोरिदम आपको ऑलरेडी बता दिया कि डेट के एल्गोरिदम के सबसे कहां पैसा लेके जाना है। तो आप फोर्थ ईयर के बाद आप यहाँ फिर से आप स्विच करोगे उधर डेट में, अकॉर्डिंग टू मैम अकॉर्डिंग टू आपका योर 18 लाख रुपीज तो वैल्यू. ऑलमोस्ट वो जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया होगा, ठीक है, हाँ, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, ये नहीं 18 नहीं तो लाख आई एम रुपीज आस्किंग आफ्टर द फोर्थ ईयर, दिस फ्रॉम दिस 82 यू आर गोइंग टू स्विच बेस्ड ऑन योर नहीं कॉल्स. नहीं माय विड्रॉल फॉर फोर्थ ईयर विल बी फ्रॉम दिस कॉर्पस ओनली नाउ। ओके, हाँ, टू नो बट मैनेज द दिस वोलेटिलिटी कॉल, फॉर इनिशियल 3 ईयर आप डेट से लोगे, जब बट वोलेटिलिटी इस मैनेज हो जाएगी तो फिर आप फोर्थ ईयर से यहां से देना चालू कर दोगे। तो इक्विटी में जो पैसा डाला है सर, ये 82 लाख, इसमें हाँ, रीबैलेंस होएगा नहीं होएगा? अगर आपका सिस्टम बोलता है कि आपका रीबैलेंस सिस्टम करो. बोलेगा, फॉर एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अगर आप मान लीजिए मार्च 2024 में एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, फिर 2020 में मान लीजिए आपको सेम प्लानिंग बनाना पड़ता है, ठीक है, फिर 2020 में लेट सजो ना, फिर 2020 में बैठे हैं, सेम एग्जाम्पल बनाना पड़ता, 82 लाख रुपीज आपको, 18 लाख रुपए तो चलो आपका डेट के हिसाब से चलेगा, वो भी हम देख नहीं रहे, 82 लाख रुपीज अभी आपको डालना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 82 लाख रुपीज आपके डालने बोल रहा है, 41 लाख मल्टी कैप में और 41 लाख बास में। आप फेब का आप जो इंप्लीमेंट करोगे, ध्यान रखना सर, फेब का जो स्कोर इंप्लीमेंट करोगे कब इसको इंप्लीमेंट आप स्कोर करोगे, मार्च में करोगे राइट, फेब हाँ जी एंडिंग सर, जो भी हम बात कर रहे हैं, फेब एंडिंग की बात कर रहे हैं, ये फेब एंडिंग की जगह मैं आपको जनवरी एंडिंग दिखा देता हूँ। एक्चुअली जनवरी में मान लीजिए आप 82 लाख रुपीज लेके आ रहे हो, वो ही बताया. राइट, अभी भी वही बता रहा है, ठीक है ठीक है, वही बता रहा है। आप रीबैलेंसिंग कब करना है तो मेरे को मालूम नहीं है सर, रीबैलेंसिंग कब होगा, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, कभी कभार ये 3 3 साल तक भी बोलेगा कि रीबैलेंस मत करो, कभी कभार ये बोल सकता है कि 2 महीने में रीबैलेंस कर लो। सो फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं इसको मार्च 2020 कर देता हूं, क्या बोल रहा है सर ये, 100% मल्टी कैप. अब बैंक भी खत्म कर दो, मल्टी कैप में ले पूरा पैसा, मल्टी कैप से भी चालू कर देना।
तो मतलब मैंने आज 82 लाख डाला मान लो जनवरी में, मार्च में कहता है मल्टी कैप में ले पूरा, तो मैं वो स्विच कर दूं, और आपको ऐसे पूरा मल्टी करके कैप स्विच कर तीन देना है, साल और एसडब्ल्यू भी आपको मल्टी कैप से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ऑपरेशनल डिफिकल्टी आएगा, बट ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे इन्वेस्टर का रिटर्न भी जनरेट करना है और डाउनसाइड भी प्रोटेक्शन देना है, तो सर इसमें एक चीज टैक्सेशन होता है होता है ना ना इसमें लगेगा सर फिर। सर, टैक्सेशन आएगा वो बात की बात है सर, लेकिन आपको मालूम चल गया ओके कि कोविड में आ गए हो 100%, आपको यहां से एसडब्ल्यू भी देने में कोई तकलीफ नहीं है मल्टी कैप से। आपका लेट मी जस्ट समराइज, आपने कहा कि पहले डेट से 3 साल के लिए उनको विड्रॉल दो, उसके यस बाद ये 82 लाख आप एलोकेट कर दो, जब आपका मॉडल बोलेगा स्विच करना यस है तो यस हम करते रहेंगे, यस और अगर आप एफ्टर उसको दैट विड्रॉल टाइम करता आफ्टर रहेगा सर, 82 लाख रुपीज आपने डाल दिया मान लीजिए बैंक में मल्टी कैप में, अब वो बोल रहे हैं कि बैंक को कैसा भी मल्टी कैप में पलट दो 2 महीने बाद, तो आप उसको पलट दिए, लेकिन 18 लाख रुपये से आपका चलता जा रहा है, ठीक है सर, एसडब्ल्यू चलता रहा है। पर मैं स्विच नहीं करना चाहता हूँ, वन कैटेगरी में डाल के रखना चाहता हूँ, तो वो भी वो बता रहा है ना कि जैसे अभी मल्टी कैप है, आपने लेस नंबर ऑफ स्विचेस या नो स्विचेस बोल रहा है कुछ, वो भी ऑप्शन है आपके पास इसमें? तो उसके ऊपर तो कॉन्सेंट्रेटिव है फिर, अच्छा अब ऑटोमेटेड एक्शन रिपोर्ट में आओ और कॉन्सेंट्रेटिव कर लो, तो बहुत कम देगा फिर, ये रिटर्न भी कम हो जाएगा। रिटर्न भी कम हो जाएगा। अब वही 82 लाख रुपीज है, देखो क्या बोल रहा है सर, कॉन्सेंट्रेटिव के लिए ठीक बैफ और मल्टी कैप बोल रहा है, बदल गया पूरा चीज। अब वही मैं 2024 कर देता हूं, अभी का दिखा देता हूं। तो 3 साल के बाद जो विड्रॉल चलेगा उसमें भी स्विचेस चलते रहेंगे जब भी मॉडल पोर्टफोलियो बताएगा। राइट सर राइट, वो करना पड़ेगा अगर मुझे अल्फा जनरेट करना है, डाउन साइड को प्रोटेक्शन देना है। ये देखिए आज ये बोल रहा पूरा पूरा बैक में रखो, अब इसका आप पढ़ लो, वो ठीक है 50% का डाउन साइड प्रोटेक्शन दे रहा था, ये 30% का डाउन साइड, ये आपका मार्केट में जो है ऑलमोस्ट 70% का डाउनसाइड प्रोटेक्शन देगा, 30% का डाउनसाइड पार्टिसिपेशन होगा, 70% प्रोटेक्शन देगा, बट इसका जो रिटर्न है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ये इन्फ्लेशन से आप इन्फ्लेशन प्लस 1 से 2% आपको पोस्ट टैक्स बेसिस पे रिटर्न देगा, इन्फ्लेशन प्लस 1 से लेकर 2%। क्लियर है क्या सर? यस सर। जो भी बात करो मैं बस के सिनेरियो की बात करो, बस के की नहीं बात करो, वर्स्ट के सिनेरियो में इन्फ्लेशन प्लस 1 से 2% रिटर्न निकालेगा, और वर्स्ट के सिनेरियो मार्केट अगर 100% गिरेगा तो बस ये 30% ही गिरेगा। वन क्वेश्चन, अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे इन्वेस्टर्स हैं एंड वो हैव बीन वेरी अग्रेसिव और अभी भी वो स्मॉल कैप में बैठना चाहते हैं, हाँ ये करते राइट? हैं ममता डाउट, 1 सेकेंड सर, ममता डाउट क्लियर हुआ क्या? यस सर, हाँ, हो गया, ओके मैम, ओके। सो थैंक यू आप थैंक यू। एक्चुअली लमसम के लिए भी दे रहे हैं और हम ये कैपिटल विड्रॉल के भी दे रहे हैं, और तीसरा मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो एसआईपी इन्वेस्टर होते हैं कि सर एसआईपी के क्या करें, तो एसआईपी के लिए तो आप ऑफकोर्स फंड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो पिंक वाले से जाके, कि कहाँ कहाँ से फंड आपको सेलेक्ट करना है, बट एसआईपी 1 समय बाद लमसम बन जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट सबको, यस सर, यस 1 समय बाद जाके लमसम बन जाता है, तो उसके बाद थंब रूल दे देता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हो तो 7-8 साल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट 1 लाख रुपए की एसआईपी से मान लीजिए आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया है, और अगर आपकी 1 लाख रुपए की एसआईपी चल रही है, मतलब आप साल का 12 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो 12 लाख रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन से 1 करोड़ के पोर्टफोलियो को आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं कर सकते हो। एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट आया यूएस से आया है, यूएस में एक्चुअली एसआईपी नहीं बोला जाता, इसको डीसीए बोला जाता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोला जाता है, इंडिया में एक्चुअली इसका नाम आरसीए होना चाहिए था, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होना चाहिए था, बट मार्केटिंग गिमिक के कारण इसको एसआईपी बना दिया गया, बट एसआईपी 1 समय बाद काम नहीं करता है, अगर आपका कॉर्पस बड़ा हो गया है और अगर आपने एसआईपी का अमाउंट नहीं बढ़ाया तो आपका एसआईपी काम नहीं करेगा। तो क्या एग्जैक्टली एसआईपी कब काम करेगा? अगर आपने 27% का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो तभी एसआईपी काम करेगा, बोलने का मतलब 1 करोड़ के कॉर्पस में अगर आप 2.5 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हो तभी वो एसआईपी काम करेगी, नहीं तो आप ये मान के चलिए दैट इज एज गुड एज लमसम। तो एक्चुअली तीनों के लिए काम करता है, एसआईपी लमसम कैपिटल विड्रॉल तीनों के लिए, इनिशियली ऑफकोर्स ये काम नहीं करेगा एसआईपी के लिए, जो भी 7-8 साल की एसआईपी है आप यहाँ से फंड को सेलेक्ट कर लो, इक्विटी डेट गोल्ड हाइब्रिड से रेड ग्रीन येलो देख लीजिए और फंड के फिल्ट्रेशन के हिसाब से एसआईपी चालू कर दीजिए, 8-10 साल 12 साल बाद एसआईपी के एक्युमुलेटेड कॉर्पस को आपको लमसम मान के रीबैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं, बताइए सर क्या डाउट है, बताइए सर क्या डाउट है। डाउट
क्लियर है सर. बस ये पूछ रहा था, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हु आर हाईली अग्रेसिव राइट नाउ ऑल्सो, हाँ द मॉडल इज सजेस्टिंग समथिंग एल्स राइट नाउ, इट इज लार्ज कैप 85 काइंड ऑफ परसेंट, 80% इन समथिंग. नहीं, तो इन्वेस्टर्स एग्रेसिव, वेरी राइट, बहुत इन्वेस्टर एग्रेसिव है. आपको रीबैलेंसिंग कौन से प्रकार की करनी है बताइए, मिनिमलिस्टिक, लिमिटेड, सर रेगुलर रीबैलेंस. रेगुलर? नहीं, तो रेगुलर रीबैलेंसिंग ले तो सर उसको डाउनसाइड प्रोटेक्शन की अभी बता रहा है, 65% इक्विटी में रख रहा है. अगर आप राइट, मिनिमलिस्टिक ठीक. रखोगे तो पूरा ये इक्विटी में लेके जा रहा है, ये क्या ऑल इन ऑल आउट मीन्स? मिनिमलिस्टिक है सर, मिनिमलिस्टिक. ये मैं आपको घुमा के ओके ठीक सिक्स टू एट टाइम्स बताएगा रीबैलेंसिंग करने. सर है. ओके ओके, हमारी आई चॉइस जस्ट करिए रेड सर, दैट. सर हमारी चॉइस करिए. ठीक है, और कोई क्वेश्चन सर? सो ये हाँ हमारे सर, कैपिटल एलोकेशन को लेकर रिटायरमेंट में एक सवाल है सकते सर. हो लास्ट वाले दोस्त से, जो भी आपको कैपिटल एलोकेशन रिपोर्ट निकालना है मार्केट के वैल्यूएशन बिजनेस साइकिल से. नाउ लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मान लीजिए आज बैंक में जाना है तो कौन से बैंक में जाना है, तो आप हाइब्रिड में आ जाइए. बैंक किस में आएगा? हाइब्रिड में आएगा, राइट? तो हाइब्रिड में आ जाइए. अब सर हाइब्रिड के हाइब्रिड में सर, बैंक फंड को सेलेक्ट कर दीजिए, या आपको बता दें कौन कौन सा बैंक कर सकते हो, कौन कौन सा आपको अवॉइड करना है. तो रेड वाले आप बैफ अवॉइड कर सकते हो, ग्रीन और येलो वाले बैफ आप कर सकते हो. उसमें भी किसी को अगर पेनल्टी चाहिए कि आशीष ये रेड भी येलो भी फिल्ट्रेशन नहीं चाहिए हमको, तो ये वन वन लिखा हुआ, ये दोनों में आप ओवरवेट हो सकते हो. सेकंड, जैसे बोल रहा था कि हमें फ्लेक्सी कैप में पैसा लेके जाना, तो फ्लेक्सी कैप आपका इक्विटी में आता है, तो इक्विटी में गए आपने, फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट कर लिया यहां से कैटेगरी में. तो ये आपका व्हाइट लिस्टिंग है एक तरह से. हाँ, तो आप रेड ग्रीन येलो के फॉर्म के बेसिस पे रेड वाले फंड को अवॉइड कर सकते हैं, येलो ग्रीन वाले फंड कर सकते हो. उसमें भी अगर आपको डायरेक्ट चाहिए कि नहीं हमको रेड ग्रीन येलो कभी नहीं चाहिए, तो वन वन जहां पे भी लिखा है आप वो प्रायोरिटी दे सकते हो, तो उसमें आप ओवरवेट हो सकते हो उस फंड में जाके. हाँ सर इसमें एक बारी वैल्यू या क्या कोडिंग सारी ग्रीन और वन कर देंगे, सिलेक्शन चीज सर? जो कर रहे हैं एक बारी ग्रीन कलर सेलेक्ट करके वैल्यू वन सेलेक्ट कर लीजिए. बस आप इसको ग्रीन ही सेलेक्ट कर सकते हो सर, वैल्यू तो नहीं, या बस या तो आशीष भाई, वैल्यू सेलेक्ट कर लो, यहां से तो वैल्यू मिल जाएगा. आशीष भाई, ये व्हाइट नहीं लेबल सर का वो आधार, आपके फंड्स में भी रेड ग्रीन में कलर कोडिंग ग्रीन आ जाती है. पहला कलर कोडिंग ग्रीन अगर हम कर लें सेलेक्ट, हाँ इसको ऑल कर दीजिए. हाँ अब कलर कोडिंग ग्रीन सेलेक्ट कर ग्रीन रही है. सेलेक्ट कर सकते हो सर. हाँ मतलब कलर कोडिंग ग्रीन ले लो और उसके बाद वन सेलेक्ट कर लो, वन सेलेक्ट कर लो, तो आपको एकदम हाई वैरायटी फंड मिल जाएंगे. एक बार दिखाएंगे सर. ठीक है, तो एक फ्लेक्सी कैप सजेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से ही. हाँ ठीक है सर, थैंक आशीष भाई, यू. ये ग्रीन ग्रीन का जो आपने बताया, ग्रीन रेड येलो, इसका आधार क्या मॉर्निंग स्टार के परफॉर्मेंस के ऊपर लिया है या किस आधार पे लिया है? तो सर हमने ना ऑलरेडी मॉर्निंग स्टार और इकरा में का डेटा हमने बाई किया है, उसका डेटा हम बस लेते हैं, बट मेथोलॉजी हमने अपना लगाया हुआ है. जस्ट अभी सभी MFD है और मैं समझता हूँ कि काफी अनुभवी हो गए, तो मैं मेरे अनुभव से ऐसे ही बता रहा हूँ. जस्ट एक इस सॉफ्टवेयर को आपके रख दीजिए बाजू में. मेरा एक कहना है कि जनरली जो फंड बहुत अच्छा करता है वो 3 साल के बाद में कमजोर करता है, तो हाँ हो सकता आपने ग्रीन उसी आधार पर लिया हो जो बहुत अच्छे कर रहे हो और आगे नहीं कर रहे हो. हाँ अगर इसमें से कुछ MFD का अनुभव होगा तो जो मास्टर गेन स्कीम की जो फ्लेक्सी कैप हुई सर मेरा ना इससे ये आज. अभी एकदम सही बोल रहे हैं. तो मेरा ना ये मूल्यांकन जो हुआ है, मेरा जो आता है सेकंड स्टाइल के बेसिस पे. सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान होगा सारे एडवाइजर 2019-20 में एक्सिस बेच रहे थे, बट उनको बेचना था एचडीएफसी और आईसीआई. आज करेक्ट 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 इंक्लूशन है क्वांट की तरफ है, मोतीलाल की तरफ है, निपोन की तरफ है. तो ये वाला जो एरिया है ना सर, ये मरीना में आता है. ओके ओके हाँ, मैं कि समझ स्टाइल के गया. बेसिस से आप फंड को कैसे सेलेक्ट करना है, तो उसमें पास परफॉर्मेंस नहीं आता, उसमें स्टाइल बेस्ड आता है. तो वो अपना मरीना में आता है, वो अपन ना सर नेक्स्ट सेशन में गौर करेंगे. यहाँ ओके पे चलो जो ठीक है. रेट ये है वो टोटली ऑन द बेसिस हमने क्या किया है, मॉर्निंग स्टार इकरा का डेटा उठाया है, उसके ऊपर हमने अपनी मेथोलॉजी लगा दी है. तो हमने दो ही क्वांटिटेटिव इसमें एनालिसिस किए है, सॉर्टिनो रेशियो और इन्फॉर्मेशन रेशियो. तो सॉर्टिनो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये रेड ग्रीन येलो हो गया है. करेक्ट, ठीक है. क्योंकि मेरे पास क्या है, दोनों सॉफ्टवेयर है और दोनों का आधार मैं देखता हूँ तो मुझे मिलता जुलता था, लेकिन ठीक है. अभी आपका सॉफ्टवेयर अभी एक बार मैं डाउनलोड कर लूंगा, मेरे राइट. पास तो ये विंडो कुछ है नहीं, तो हाँ मैं सर बस एक मुझे ही इसमें मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि जो फंड फिल्ट्रेशन, दिस इज नॉट अवर प्राइमरी एक्सपर्टीज.
हमारा प्राइमरी एक्सपर्टीज जो है एसेट क्लास सिलेक्शन, कैटेगरी सिलेक्शन, सब कैटेगरी सिलेक्शन में, कि अभी पैसा आ रहा है तो कौन सा एसेट क्लास में लेके जाना है, कौन सी कैटेगरी में लेके जाना है। ये अगर आप पढ़ोगे इसमें तो ये लिखा हुआ है, दिस इज एडिशनल हैंड होल्डिंग सर्विस, और ये कभी भी हम बंद कर सकते हैं क्योंकि ठीक है फंड रिसर्च को लेकर ऑलरेडी 25 टूल इंडस्ट्री में बन चुके हैं, तो हम और एक टूल नहीं बनाना चाह रहे, इसलिए हम ये कभी भी बंद कर सकते हैं, ये जस्ट सेकेंड ओपिनियन के लिए। तो हमारा जो प्राइमरी एक्सपर्टीज है वो ये ब्लू कलर है और ये ग्रीन कलर है, कि एक्चुअली में अगर आज पैसा आ रहा है तो कितना पैसा इक्विटी में लेके जाना है, डेट में लेके जाना है, एक कब लमसम डालना है, कब एसटीपी करना है, कब कौन सी कैटेगरी में लेके जाना है, कब कौन सी सब कैटेगरी में लेके जाना है। तो अभी करें। अगर जो कवर हुआ है ना, हमने दो ही फोल्डर कवर किया है, हेलो आशीष, करेक्ट। हेलो आशीष, हमें ऑडियो को लेकर कवर किया है, दो हमारा अभी भी बचा हुआ है सर, मैं एक सेकंड सर ना, दो हमारा अभी भी बचा हुआ है, एक मरीना बचा हुआ है और दूसरा हमारा बचा हुआ है ग्लोबल और डोमेस्टिक का सेक्टरल, कि ग्लोबल में क्या करना है और डोमेस्टिक के सेक्टर में क्या करना है, तो हम वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। हाँ ठीक है। सर, और कभी कभी हमको इमरजेंसी में जरूरत है, हम आप बिजी हैं तो कोई आपका सपोर्ट नंबर है जो हाँ सर, कि तो हम मेरे बात कर। सर्विस में है, ऑफकोर्स ठीक है, मैं ओके इनिशियली टॉप 500 एडवाइजर मैं ही देखूंगा सर, आई विल बी अवेलेबल कुछ भी, अगर आपको टेक्निकल कुछ भी क्वेरी, क्योंकि मेरी टीम इक्विप मेरी आशीष क्वेरी को लेके, आशीष एंड मेरा जो डेटा आशीष साइंटिस्ट है वो कोर डेवलपमेंट पार्ट में, तो आई विल बी हैंडलिंग देम, जब जैसे मेरा 500 एडवाइजर जो कि बहुत जल्दी क्रॉस हो जाएगा, तो मेरा हम फिर आप टीम अपने रिसोर्सेज ही बढ़ाना चालू करेंगे, बट इनिशियली 500 एडवाइजर से आप मेरे टॉप 500 एडवाइजर में हो, तो इनिशियली मैं ही आपका जीवन भर तक जो भी क्वेरी सर मैं ही हैंडल करूंगा। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। यस सर, आशीष एक क्वेरी था इसमें, आशुतोष सर, सर थोड़ा सा आपने लाउड जो स्पीकर फंड लगा का दीजिए, सिलेक्शन का भी बताया तो आशुतोष ये था थोड़ा सुनाई नहीं आ रहा है। क्या। हाँ अभी सुनाई दे रहा है। यस यस, हेलो हाँ बताइए। हाँ, तो आपने जो स्कीम्स का एनालिसिस किया है उसके लिए आप कितने साल का डेटा लेते हो, 3 साल 5 साल कैसे है? 3 साल और 10 साल। 3 साल और 10 साल। ओके ऑलराइट, ठीक है ऑलराइट। सर एक सवाल है, आशीष सर, इसका रिकॉर्डिंग हमको कब तक मिल जाएगा? इसका रिकॉर्डिंग सर मैं कोशिश करूंगा कल इवनिंग तक आपको दे दूं, ठीक है अभी सर। एक सेकेंड। अच्छा ओके, मैं कोशिश करूंगा सर, आज हो गया भी, आज मेरे के इंदौर के सेशंस थे तो काफी ऑनबोर्डिंग का मेरा है, मैं कल पूरा कोशिश करता हूँ कल सर आफ्टरनून तक दे दूँ, ताकि आप देख सके, 12 से 1 बजे तक कोशिश करूंगा मैं। हाँ सर एक सवाल है सर। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। सर, एक सवाल है हाँ कि आज मेरे पास लमसम में क्लाइंट दे रहा है 50 लाख रुपए, हाँ और वो उसको वो कहता है 1.5 साल बाद मेरे को मंथली 8% से रिटर्न मेरे को बैकअप करी है, हाँ तो फिर उसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे उसको आप? अब सर आप 8% से देना चाहते ही हो तो दे दो सर, लेकिन नहीं मैं नहीं आपको डेढ़ रिकमेंड साल बाद करूंगा देना है, आज नहीं देना तो सर। 6% के ऊपर का विड्रॉल नहीं होना चाहिए, नहीं सर, आज तो पैसा ले नहीं रहा ना सर, 1.5 साल बाद से चाहिए उसको पैसा। लेकिन तभी भी 8% बोल रहे हो ना सर, 8% का विड्रॉल नहीं होना चाहिए। आप 4% रूल जानते हो? 4% रूल क्या होता है? 4% रूल जानते हो सर क्या होता है? नहीं, वो ये कह रहा है कि साहब मेरे पास 1.5 साल आपको इसलिए दिया है कि मेरे 50 लाख का कुछ ना कुछ तो बना के दोगे दोगे, नहीं तो वो ठीक है सर, उसके लेकिन हिसाब तभी से मेरे को। 6% विड्रॉल होना चाहिए, क्योंकि लेकिन आशीष आशीष भाई, लेकिन निवेशक नहीं जानता है ना 4% का रूल, आपकी बात एकदम सही है, तो उसमें से नहीं 8 तो कुछ तो अच्छे तो देना पड़ेगा ना, फिर तो वो यही बोलेगा इससे अच्छा तो मैं पोस्ट ऑफिस में रखता, मैं वही बोल रहा बैंक हूँ, में रखता। एकदम सही बोल रहे हो, आइडियली सर 6% देना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर 10% मांग रहे तो उनको 10% भी देना पड़ेगा, बट इन्वेस्टर को बहुत वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा उस समय, मतलब बोलने का मतलब ये है कि इनिशियली अगर मार्केट गिर गया 3 साल तक और मार्केट नहीं उठा तो इन्वेस्टर बहुत तकलीफ क्रिएट कर सकता है एडवाइजर को, ये बोल के कि मेरा तो एक तो आपने पैसा भी निकाल दिया और मेरा पैसा भी डाउन हो गया। ये तो है, वो तो कब एंट्री होती है और कब उसको SWP दे रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ यस निर्भर यस करता है। यस, तो सार्थक सर आप उसको जो इन्वेस्टर करेगा और वही कर रहे हो आप एकदम करो, लेकिन उसका फिर बिहेवियर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड आपको। अच्छा करेक्ट नहीं तो 1.5 साल तो लमसम पूरा पैसा डालेंगे जो आप बता रहे हो जिस परसेंट से, सर, तो अब मान लो आप 1.5 साल बाद उसको 2020 एसटीपी जनवरी करना में है। बात कर रहे हो ठीक है, और 1.5 साल बाद मार्केट वहीं का वहीं रहा, क्या करेंगे सर अपन? अच्छा तो ये सर बात भी सही है। के हिसाब से तो कोई डिसीजन नहीं लेना, 1.5 साल का पैसा तो आप प्लीज कॉन्सर्वेटिव मैनेजमेंट में ही चले जाना, अच्छा
ठीक है सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सर? थैंक नहीं सर। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू वेरी यू मच। मैडम सर, थैंक यू सो मच। साइन आउट करना। गणेश सर, हार्दिक सर, नितिन सर, सचिन सर, संदीप सर, आशीष सर, ये आपने एक अभी कुछ वर्डिंग करी थी रूल ऑफ फोर, हाँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आपके होता है पास हो तो सर आप। कि यूएस मार्केट के हिसाब से जिसने भी 4% ऊपर निकाला, क्योंकि अपने पास तो हिस्ट्री कम है, उसको बहुत वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ा है, तो इंडिया में वही परसेंट जो रूल आता है वो 6% का आता है। हाँ, ओके सर, अब गूगल कर लीजिएगा 4% रूल। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक एक क्वेश्चन था, हार्दिक जोशी बोल रहा हूँ, कि हाँ अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उसका तो आपके मुताबिक नहीं होगा राइट, क्योंकि वो हमने हमारे एक्सपीरियंस से किया है राइट उनको, राइट हाँ, राइट। तो हम उसका क्या करेंगे, मतलब कैसे करना चाहिए? तो सर आप फ्रेश पैसे को तो प्लीज इसके हिसाब से मैनेज कीजिए। ओल्ड मनी भले आप उस तरीके से हो गया होगा, बट मैं बोलूंगा रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं तो एटलीस्ट करना चालू कर दीजिए। सो फॉर जी एग्जाम्पल 4 तारीख बहुत एक अच्छा समय था। अगर आप मेरे आप तब मेरे साथ में ऑनबोर्डेड थे कि नहीं, एक सेकंड सर मैं नाम नहीं देख पाया हूँ, हार्दिक सर। सो आप अगर पुराना अगर आप एसटीपी करते रहते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि आप पुराने एसटीपी को पूरे लमसम में कन्वर्ट कर दो। तो एक्चुअली पुराने पैसों को करना चाहिए, बट एटलीस्ट नया पैसों को तो एकदम करना चाहिए। राइट है यस यश दानी सर, संदीप हरदास सर, सर। संदीप सर, संदीप सर, संदीप सर फ्रॉम लखनऊ। यस आशीष जी, एक्चुअली आई हैव नॉट स्टार्टेड यूजिंग दिस। ओके हाँ, सो दिस वीक आई एम प्लानिंग टू डू इट फ्रॉम ओके टुमारो सर, ऑनवर्ड। बट मेरे मैसेजेस देख रहे थे जो व्हाट्सएप में आ रहे थे? ओके देख रहा हूँ मैं, आई एम लुकिंग इन। ठीक है, सो एटलीस्ट उसे की ऑब्जर्वेशन से ब्रॉडर आइडिया तो हो जा रहा है सर क्या करना है हाँ, करके। ब्रॉडर आइडिया तो इंडीड आई हैव स्टार्टेड अलोकेटिंग, जैसे कुछ ना कुछ ओके ठीक रफली आइडिया आ गया, कंजम्पशन फंड्स एंड ऑल दैट लास्ट टाइम वी सॉ, तब है से मैंने एलोकेशन तो कर दिया, इट ठीक फिट है, इन माय मॉडल आल्सो। परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके, अब मुझे थोड़ा सा इसका इनिशियल कुछ होगा, यूट्यूब आपने दिया तो है शायद, मैं शेयर करता हूँ दिखा सर दूंगा मैं इसका, हाउ टू यूज आज इट, का सेशन आपने शेयर कर देना प्लीज। स्टार्टिंग से अटेंड किया, आज का सेशन आपने, पार्डन, व्हाट डिड यू से? आज का सेशन आपने स्टार्टिंग से अटेंड किया है क्या? नहीं, मेरा मीटिंग चालू था तो 10-15 मिनट लेट आया हूँ। ओके ठीक है, जो भी रिकॉर्डिंग होगी सर, चलिए मैं मरीना की मूल्यांकन भी भेज दूंगा आपको, आपके रेफरेंस। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू ठीक है सर, ओके थैंक सर, यू सर थैंक यू, थैंक यू। सर। गणेश बोल रहा हूँ, हाँ सर बताइए थीमेटिक पे हुआ है आज कुछ सर। डिस्कशन? मरीना और ग्लोबल बाद में कवर करेंगे सर, आज बस यही था हमारा एजेंडा। ओके ओके परफेक्ट, नो प्रॉब्लम सर वो सेक्टरल फंड वाला कवर कर रहे हैं क्या आज? सर, वो ग्लोबल बाद में कवर करेंगे सर, ग्लोबल और मरीना। अच्छा वो मरीना में आता है सेक्टर, हाँ, सॉरी। ग्लोबल और मरीना बाद में कवर करेंगे, आज हमारा था कोर एलोकेशन डैशबोर्ड और कोर एलोकेशन डैशबोर्ड की मास्टर समरी। राइट। एनी अदर क्वेश्चन सर? शैल बी क्वालिटेड है, तो बहुत जल्दी हम अब नेक्स्ट जो कवर करेंगे मरीना और ग्लोबल मार्केट को लेकर कवर करेंगे, विद इन अ वीक, विद इन अ वीक का नाम सही, तो हम 2-3 दिन में कवर करेंगे। सो प्लीज देयर विद अस सर, एंड प्लीज यूज कीजिए सर, अगर आप मेरी यस वीडियो सर, टुडे। आशीष जी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, रुपेंद्र सर अब यूज करना अपने अच्छे से ना। बिल्कुल सर। मैंने डाउनलोड भी कर लिया और मेरा एक्सेल अपडेट होने से मुझे सारी चीजें अब उसमें नजर आने लगी। परफेक्ट सर, ठीक परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। ठीक सर, ओके विभूति सर, सचिन सर, राजेश सर, नितिन पाटनी सर, यस सर। सर मेरे ख्याल से और क्लैरिटी आई होगी आज का सेशन अटेंड करके अभी का। बिल्कुल सर, थोड़ा सा और अभी और एक दो बार करना पड़ेगा सर, सर बस क्योंकि बस क्या आप हमें। बिल्कुल चाहिए सर, ऑन बोर्ड हो जाइए जल्दी से, नेक्स्ट वीक से अपन नया सर, सेशन स्टार्ट कर देंगे एक चीज का। ठीक है सर, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ सर। यस यस। ठीक है, सो आज का सेशन एंड कर रहे हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर
ट्रस्टिंग अस, एक ही रिक्वेस्ट होगा सर, प्लीज आप प्लेटफॉर्म देखना बंद कीजिए, प्लेटफॉर्म को यूज करना चालू कीजिए एंड एक्शन में लाइए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 99.99% प्रोबेबिलिटी है सर कि आपके डिसीजन को आउट परफॉर्म करेगा। आप जो भी डिसीजन इन्वेस्टर के लिए अपने ग्रेट या एक्सपीरियंस के लिए ले रहे होंगे और जो भी डिसीजन मेरे प्लेटफॉर्म से लोगे, 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि आपके डिसीजन से बेटर परफॉर्म करेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।